रेप और हत्याकांड पर बंगाल में घिरी ममता बैनर्जी क्या देश को धमकी देने पर उतर आई हैं? ये सवाल क्यों उठा है, जानने के लिए सुनिए ममता बैनर्जी का ये बयान। मोदी बाबू अपना पार्टी के दिए आगुन लगाचेन, मने रखबेन बांग्लाय जदि आगुन लागान आसाम थेमे थाकबे ना, नॉर्थ ईस्ट थेमे थाकबे ना, उत्तर प्रदेश थेमे थाकबे ना, बिहार थेमे थाकबे ना, झारखंड थेमे थाकबे ना, उड़ीसा थेमे थाकबे ना, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না, আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। एक मुख्यमंत्री का ये बयान कि आग यहां लगेगी तो आग असम में, झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह लगा देंगे, आपकी कुर्सी हिला देंगे, ये बयान हो सकता है किसी मुख्यमंत्री का? ममता के इस बयान के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा है, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंखें मत दिखाइए, आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए, आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। बीजेपी ने पार्टी के आधिकारिक बयान में भी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ममता लगातार धमकी दे रही हैं, ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज नहीं बचा है। इस बीच आज बीजेपी के पश्चिम बंगाल बंद के दौरान उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे का के सामने से गोली मारने की कोशिश की गई थी, इसमें प्रियांगु तो बच गए लेकिन उनके ड्राइवर को गोली लगी है। उधर बंद के खिलाफ ममता सरकार और पुलिस की सख्ती के बावजूद बंद का असर देखा गया। कल छात्रों ने नबन्ना चलो अभियान निकाला था, उसे भी ममता सरकार ताकत से निपटती दिखी थी। ममता सरकार का दावा है कि नबन्ना चलो अभियान के पीछे गुंडे थे, कल एक पुलिसकर्मी के आंखों में लगी चोट को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। सवाल पब्लिक का है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो ममता के खिलाफ जनविद्रोह है, और अपने घर में घिरी ममता तो क्या देश को धमका रही है, यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ शहजाद पूनावाला बीजेपी से हैं और बादल देवनाथ तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर हैं। और मेरा पहला सवाल बादल देवनाथ जी आपसे है, रेप हत्याकांड पर क्या ममता बैनर्जी घिरी हुई हैं, इसीलिए धमका रही हैं, धमका रही हैं मोदी को, धमका रही हैं राज्यों को कि आग लगा देंगे, ये कोई मुख्यमंत्री करता है? मैडम गुड इवनिंग, और उससे पहले मैडम, एक महिला, एक नर्स जूनियर डॉक्टर, उनका रेप हुआ, कोई मिलके हत्या कर दिया, ममता दीदी ने मेन आरोपियों को अरेस्ट किया, हम सब बार बार कह रहे हैं संदीप घोष को अरेस्ट करो, 10 दिन 14 दिन हो गया, सीबीआई ने हाईकोर्ट के निर्देश से पूरा कलकत्ता पुलिस के हाथ से पूरा डॉक्यूमेंट्स ले लिया, वीडियोग्राफी ले लिया, आपूर्ति का पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी ले लिया, पूरा सब कुछ ले लिया, जांच ईडी कर रहा है, सीबीआई कर रहा है, लेकिन हर दिन मैडम ममता दीदी एक महिला मुख्यमंत्री है, उनका एडुकेशन, उनका परिवार, उनका 50 साल का राजनीतिक करियर, 100 साल काम का राजनीतिक करियर, हर दिन उनको बदनाम किया जा रहा, हर दिन उनको अपमान किया जा रहा है, नंबर वन। नंबर टू, हम सब बार बार बोल रहे संदीप घोष को अरेस्ट करो, जूनियर डॉक्टर से पास है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया आप लोग ज्वाइन कीजिए, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑर्डर दे दिया, आप लोग एक्शन ले सकते हैं। ममता दीदी ने 15-20 दिन हो गया लेकिन एक भी जूनियर डॉक्टर से कोई भी एक्शन ले ही लिया, और शहजाद पूनावाला भाई ने बार बार कह रहा है 43 लोगों को जूनियर डॉक्टर को ट्रांसफर किया, वो ट्रांसफर तो 4-5 घंटे के बाद ममता दीदी ने वापस कर लिया, नहीं इन लोगों को बपड़ा ट्रांसफर मत करो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ममता जी ने अपने आप नहीं किया, लेकिन आज सवाल है ये धमकी क्यों कि आग अगर लगेगी बंगाल में तो रुकेगी नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम तक जाएगी, नॉर्थ ईस्ट तक जाएगी, ये किस तरह का बयान है? मैडम प्लीज, मेन मुद्दे पर आ रहा हूँ मैडम, हर दिन एक 67 साल 68 साल एक उम्र महिला जिन्होंने शादी नहीं किया, पूरा देश के लिए एक 50 साल जीवन दे दिया, आप बताइए इनको हर दिन अपमान आप बता सकते हैं?
जहां पर नवान्न है, जहां पर मुख्यमंत्री बैठे हैं, योगी जी बैठे हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बैठे हैं, जहां पर प्रशासनिक भवन है, वन फॉर प्रोटेक्टेड, पहले आईपीएस धारा 144 था, अभी नए संहिता के कारण 163 रूल्स हुआ, प्रोटेक्टेड एरिया, उस जगह में आप अभियान कर सकते हैं? कोई नवान्न अभियान बोल के उत्तर प्रदेश में लखनऊ में प्रधानमंत्री दफ्तर में कोई अभियान कर सकता है? कोई पॉलिटिकल पार्टी? आज बांग्ला बंद आप लोगों ने बुला दिया, भाजपा के लोग बांग्ला बंद बुलाए, आप बताइए आज इंडिया गठबंधन ने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सोशल एक्टिविटी करने वाला लोग भारत बंद बुलाए देंगे, दिल्ली बंद बुलाए देंगे, उत्तर प्रदेश बंद बुला देंगे, मध्य प्रदेश बुला देंगे, तेलंगाना कर्नाटक महाराष्ट्र बुला देंगे, बंद बुला देंगे, ये कोई कितना लंबा आंदोलन है इनका, मैम समय भी नहीं बचेगा। बंद बुलाना धरना देना ये तो ममता बनर्जी ने कहा है कि डेमोक्रेटिक तरीका है, लेकिन बादल देवनाथ आप मुद्दे पर नहीं आ रहे, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। शहजाद पूनावाला, ये सवाल का जवाब क्यों नहीं? बादल जी की बहुत बुरी आदत है, वो बीच में बहुत बोलते हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये बोलने नहीं देंगे। ये बादल जो है बरसते ज्यादा है और गरजते ज्यादा है, बरसते कम है। सुनिए, देखिए, उन्होंने सबसे पहले जो बात की, ये तस्वीर मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, ये ममता बनर्जी की तस्वीर है, वो किस प्रकार से खड़ी हो चुकी है जयप्रकाश नारायण के गाड़ी के बॉनेट पर, इसी प्रोटेस्ट की कोक की आंदोलन की कोक से निकली है ममता बनर्जी। ये क्या किया था उन्होंने नंदीग्राम में, क्या किया था उन्होंने सिंगूर में, क्या किया था सीए के टाइम पर, क्या किया था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर, क्या किया था पार्लियामेंट के प्रोटेस्ट के टाइम पर, खुद प्रोटेस्ट करे तो चमत्कार। अभी उन्होंने धरना दिया, तब कोई कंटेनर नहीं लगा, तब बाबा के ऊपर वो वाटर स्प्रे नहीं किया, तब आपने गोलियां नहीं चलवाई, तब बम नहीं चलवाए किसी पर भी, आप करे तो चमत्कार, दूसरे करे तो गुनहगार। दूसरी बात, आज क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? बेटी के लिए न्याय, इनकी प्राथमिकता क्या है? बदला लेना है, आग लगा देनी है। उत्तर प्रदेश में कहां है अखिलेश यादव आज, बिहार में कहां है तेजस्वी यादव आज, नॉर्थ ईस्ट में कहां है इनके साथी जो नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, पूरे देश में कहां है उद्धव ठाकरे, कहां है राहुल गांधी, संविधान के तहत है क्या? और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रथम दिन से इनका पूरा प्राथमिकता है नॉट बेटी को न्याय दिलाओ, सबूत मिटाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 साल में हमने नहीं देखा, फिर उसके बाद है सत्य की आवाज दबाओ। ये उंगली तोड़ देंगे किसने कहा, ये किसने कहा कि ये महिला डॉक्टर जो है ये बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है, ये कौन रात को 1-1 बजे तक नोटिस दे रहा है? टाइम्स नाउ को भी नोटिसेस मिली है कोलकाता पुलिस की कई बार। और उसके अलावा फिर आपने बनाया प्लान कि किस प्रकार से सत्य की आवाज दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाओ। ये तो माता पिता कह रहे हैं, क्या माता पिता मिले हुए? सुप्रीम कोर्ट मिला सवाल। और आखिरी बात, फायर राउंड का दूसरा सवाल, क्या बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है इसलिए ममता बनर्जी कह रही है गुंडे प्रदर्शन कर रहे हैं, बाहर से आए हैं? जब होता कहते हैं बाहर से लोग आए हैं और बंगाल में हंगामा मचा रहे हैं, उनसे समझ नहीं रहा क्या? मैडम और शाहजाद भाई, मेरा बात पूरा आपने सुना नहीं, बात समझने का कोशिश नहीं किया आपने, क्योंकि मैं बोला 50 साल का उनका जो करियर है, आप बताइए उनको बुद्धदेव पड़ते जब शासन में था उसको गोली मारने का कोशिश किया नंदीग्राम में, ममता दीदी को ज्योति बोसे जब था 1990 उसको बाल पकड़ के उनको खींच के ले गया था रात को 3 बजे। आप बता सकते एक वोटर कार्ड नहीं था वोटर कार्ड आंदोलन के लिए? आज उसी महिला को जिसको बार बार पाए तोड़ना, कमर तोड़ना, सिर में चोट करना और गोली चलाना, बाल पकड़ के उनको, मानती हूँ बादल जी, लेकिन आज तो वो मुख्यमंत्री है, वो राज्य की होम मिनिस्टर है, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, आज क्यों गोलियां चल रही हैं? आंदोलन करना और प्रोटेस्ट करना तो लोकतांत्रिक तरीका है ना, समझना चाहिए मैडम। मैडम इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको समझना चाहिए, मैं पहले कह दिया ये गैर कानूनी आंदोलन है, गैर कानूनी आंदोलन है। शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए कि कम से कम, अब देखिए बीच में मत बोलिए, डिस्टर्ब मत कीजिए जी, आज के दिन ही हाई, आज भाजपा ने बंद क्यों कराया? जब तक मेरी बारी नहीं होगी तब तक मैं नहीं बोलूंगा, वो बीच में लगातार बोलते हैं। आप अपनी बात कहें, समय कम है। देखिए मेरी आवाज जानी चाहिए वरना बिल्कुल, आपकी आवाज जा रही है, उनकी उनका बेटर डाउन है, आप बोलिए, रुकते हैं, मैं जानता हूं इनकी हरकतें, आप बोलिए। हाई कोर्ट ने आज बोला है कि कोई गैर कानूनी बंद नहीं है, उन्होंने पीआईएल खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए मेरी आवाज को दबाई जा रही है,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रोटेस्ट पीसफुली करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और सरकार को इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और आप तो खुद प्रोटेस्ट करने वालों से निकले हो, तो आज जब प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो आप प्रोटेस्टर को क्या बोल रहे हो? साइनी घोष बोलती है ये सर्कस वाले, ये पिकनिक वाले हैं। आप एक जो बाबा लेकर खड़े थे तिरंगा, उनके ऊपर पानी की बौछार चला रहे हो और कह रहे कि एजेंट है। आपसे सवाल सिर्फ इतना है, कौन एजेंट है? माता पिता ने छात्रों का समर्थन किया कल रात को और कहा है कि ये प्रोटेस्ट होना चाहिए हमारी बेटी के लिए, क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है। तो क्या माता पिता भी जो है वो मिले हुए साजिश का हिस्सा है ममता बनर्जी के खिलाफ? आप निर्ममता वाली सरकार है, नाम ममता बनर्जी है, मां माटी मानुष नहीं, केवल बंदूकबाज, बमबाज और बलात्कारी बचाव चल रहा है। तीसरा फायर राउंड, तीसरा सवाल मैं पूछूंगी, क्या आपसे बंगाल नहीं संभल रहा इसलिए असम, नॉर्थ ईस्ट, यूपी, बिहार, सब जगह आप आग की बात कर रहे हैं बादल देवनाथ? मैडम इसलिए तो मैंने कहा, आज आप बंगाल बुला रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब आपको पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन दिया, आपने रिकॉग्नाइज, जब उसके बाद रिकॉग्नाइज होता है, कोई रूल्स है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, आप बंगाल बंद बुलाइए, भारत बंद बुलाइए, लेकिन आप बंगाल बंद बोल गए तो गैर कानूनी आंदोलन है, इसलिए मोहम्मद आदिल ने कहा आज आप बंगाल में आग लगाने का कोशिश कर रहे हैं। बंगाल बंद में गैर कानूनी क्या है? बंगाल बंद में गैर कानूनी क्या है? आए दिन जाति जनगणना पर भारत बंद बुलाया जाता है, तो बंगाल बंद अगर हुआ तो क्या उसमें गैर कानूनी क्या है? शहजाद पूनावाला यही है कि अगर अरे स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रशासन उसके खिलाफ बंद कैसे बुला सकते हैं आप? मैं बोल सकता हूँ नाविका जी, ऐसे तो डिबेट का कोई फायदा नहीं होगा, वो लगातार मेरी आवाज ही डिस्टर्ब होती रहेगी। आप बोलते रहिए भाई साहब, आपको तो बादल हमेशा ये ऐसे ही डिबेट करते हैं। जवाब दीजिए, बताइए, अभी इन्होंने बिहार में बंद करवाया था, तब उस बंद को जस्टिफाई कर रहे थे, इन्होंने शाहीन बाग को जस्टिफाई किया, इन्होंने जाकर कई सारे बंद को जस्टिफाई किया, और आज जब बंगाल में जनता के द्वारा बंद है तो उसको कहते हैं कि इल्लीगल बंद है, जबकि हाईकोर्ट ने कहा कोई इल्लीगल नहीं है। मैं सिर्फ आज इतना पूछना चाहता हूं, आप तो अपराधी के खिलाफ है ना, तो बताइए संदीप घोष को तो आईएमए ने निकाल दिया, पर आपने संदीप घोष को प्रिंसिपल को 4 घंटे में रीइंस्टेट किया और आज उनको ओएसडी बना सवाल रखा है। इतना ही है। दूसरी बात, शहजाद पूनावाला आखिरी सवाल, और ये जनता का सवाल है, आज राष्ट्रपति के बयान का मायने क्या है? लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन है अगर बंगाल में, तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग रहा? ये तो आपके हाथ में, क्योंकि हम राष्ट्रपति नहीं, हम राष्ट्रवादी शासन में विश्वास रखते हैं, और जनता जिस प्रकार से सड़कों पर उतरी है वो राष्ट्रवादी शासन का पहला निशान है। और ये तस्वीर देखिए, ये ममता बनर्जी का टियानमेन स्क्वायर मोमेंट है, ये जो बाबा जी खड़े हैं ये उसी तरीके से खड़े हैं जैसे लेफ्ट कम्युनिस्ट बंगाल क्यों जल रहा है? बंगाल इसलिए जल रहा है क्योंकि ममता बनर्जी जी जो है वो बलात्कारी बचा रहे। बंगाल क्यों जल रहा है? हमारी डॉक्टर बिटिया को कब मिलेगा न्याय, ये सवाल है। सवाल ये नहीं कि कौन बंगाल जला रहा है और आग बंगाल से दूसरे राज्यों में कैसे जाएगी, सवाल न्याय का है। न्याय पर कोई बात कर रहा है, कुछ सुना किसी ने भी? ये सवाल जनता पूछ रही है। आज बस इतना ही, देती हूं आपसे इजाजत, नमस्कार।